कुछ भी प्रोसेस्ड आपके लिए अच्छा नहीं है। हाय गाइस, मैं हूँ वैष्णव जैन, co-founder ऑफ वाइट लाइफ। आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, ये सब ज्यादा खाने से हमारे बॉडी में क्या इफेक्ट होते हैं। ये प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड सब आया कहाँ से? वेस्टर्न डाइट से। जब तक हम लोग घर का खाना खा रहे थे तब तक सब कुछ ठीक था। जब बर्गर, डोनट्स, फ्रेंच फ्राइज, आइसक्रीम्स ये सब आना शुरू हो गए, ऑफकोर्स मुंह में पानी ज़रूर आता है, लेकिन हम लोगों ने कभी सोचा नहीं कि ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी को कैसे इफ़ेक्ट करेंगे। माँ दादी सब लोग सही थे ये बोलने के लिए कि बेटा घर का खाना खाओ, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, लेकिन हम लोग तो कभी सुनते ही नहीं हैं। हम लोग को क्या है, घर के खाने से पक गए हैं, अब थोड़ा वेस्टर्न स्टाइल फूड बनता है ना। अब एक स्टडी कंडक्ट की गई थी चूहों पे, यही जानने के लिए कि वेस्टर्न डाइट के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब वेस्टर्न डाइट नॉर्मली रिच होता है फैट्स में और शुगर में। अब देखते हैं उसके वजह से हुआ क्या। अब इन सारे माइस में LDL रिसेप्टर नॉकआउट था। ये बेसिकली फैमिलियल कंडीशन रहती है ह्यूमंस में, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एक कंडीशन है जिसके वजह से आर्थरोस्क्लेरोसिस होता है, जो होता है कि प्लैक बिल्डअप होता है आपके आर्टरीज में। जब इन सारे चूहों को वेस्टर्न डाइट्स पे स्टार्ट कराया तब नोटिस किया था कि एक सिस्टमैटिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हुआ उनके बॉडीज में, लेकिन जैसे ही इनको नॉर्मल डाइट में स्विच किया ये सारा इन्फ्लेमेशन कम भी होना शुरू हो गया। वेल दैट मेक्स सेंस, जो भी हम लोग खाते हैं वो चीज़ हमारे इन्फ्लेमेशन को इफेक्ट करता है। ये स्टडी की स्पेशलिटी क्या है या ये स्टडी स्टैंड आउट क्यों करती है? इसका रीज़न ये था कि ये स्टडी में ये भी नोटिस किया गया कि जब वेस्टर्न डाइट इंट्रोड्यूस किया गया चूहों पे, तब उनके में एपिजेनेटिक चेंजेस भी होने शुरू हो गए। अब ये क्या है? ये सारी चेंजेस यूजुअली रहते हैं हमारे DNA में, जो यूजुअली हिडन रहती है, लेकिन अभी ये सारे एक्सपोज हो गए और एक्सेसिबल बन गए। अब सारे माइस में हार्मफुल एपिजेनेटिक चेंजेस एक्यूमुलेट होने शुरू हो गए, एस्पेशली उनके प्रोजेनिटर सेल्स में। ये वो सेल्स हैं जो हमारे इन्फेक्शन फाइटिंग वाइट ब्लड सेल्स बन जाते हैं। अब दुख की बात ये थी कि जब ये सारे चूहों को वापस नॉर्मल डाइट पे लेके आए तो इनका इन्फ्लेमेशन ज़रूर कम हो गया, लेकिन ये सारे चेंजेस वैसे के वैसे ही रहे, उनके में कोई भी बदलाव नहीं आया। अब इससे रिसर्चर्स को ये समझने को मिला कि जो प्रीकर्सर सेल्स थे उनके में एक मेमोरी स्टोर हो गई थी हम लोग की प्रीवियस इन्फ्लेमेशन को रह के, तो वो लोग ये इन्फ्लेमेशन वाला स्टेट याद कर पाए विदाउट इवन इन्फ्लेमेशन होने के बावजूद। अब इस बार का इम्यूनो रेस्पॉन्स बहुत ज़्यादा बुरा था। अब ये क्यों हुआ? रिसर्चर्स ये सजेस्ट करते हैं कि प्रीकर्सर सेल्स ने एक मेमोरी फॉर्म कर ली विथ रेस्पेक्ट टू जो प्रीवियस इन्फ्लेमेशन था। बेसिकली वेस्टर्न डाइट के बाद ये सारे सेल्स रिमेंबर करने लगे एक इन्फेक्शन लाइक स्टेट को, जब इन्फेक्शन था ही नहीं। अब आपको इन स्टडीज़ में से इतना तो पता चल ही गया होगा कि हमारा डाइट हमारे इन्फ्लेमेटरी इम्यून रेस्पॉन्स को इफेक्ट करता है इन सिमिलर वेज टू एन इन्फेक्शन। अब वेस्टर्न डाइट का रैपो इतना अच्छा है नहीं, हमेशा से हमारा इम्यून सिस्टम खुद कंसिडर करता है कि ये चीज़ हमारे बॉडी के लिए एक थ्रेट है या डेंजरस है, इसीलिए ये पहले ही एंटी इन्फेक्शियस मैकेनिज्म्स ट्रिगर करना शुरू कर देता है, ये सोच के कि ये सारी चीज़ें जब बॉडी में जाएंगी तो ये पोटेंशियली इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर सकता है। सो यस गाइस, स्टे अवे फ्रॉम प्रोसेस्ड फूड्स, फास्ट फूड्स या बहुत ज़्यादा शुगर। बीच बीच में इनको एंजॉय करो डेफिनेटली, अगर आप एक बैलेंस्ड और हेल्थी न्यूट्रिशन फॉलो कर रहे हो तो बीच बीच में ऐसे कुछ चीज़ें आपने खा भी ली तो इसके वजह से आपके हेल्थ को ज़्यादा इफ़ेक्ट्स नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप इसको रेगुलर बेसिस में बहुत ज़्यादा खा रहे हो सो इट इज़ वेरी बैड फॉर योर हेल्थ एंड इट कैन अफेक्ट योर इम्यूनिटी। तो शेयर कीजिए ये वीडियोस आपके फ्रेंड्स के साथ जो क्रेव करते हैं बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स या शुगर्स, उनकी हेल्थ आपके हाथ में है। मजाक कर रहा हूँ, एटलीस्ट आप ख्याल रख सकते हो। सो स्टे इन्फॉर्म गाइज एंड स्टे हेल्थी। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो पे, जहाँ पे विल डिस्कस मोर अबाउट हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड वेलबींग।